नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु और यूनिक ग्रुप प्रयागराज। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और उसी उपलक्ष में अपना पूरा परिवार यूनिक ग्रुप परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देने आ रहा है और हम लोग यही आशा करेंगे कि आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें, जो भी आपका गोल हो उसको अचीव करें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी का जन्म दिवस मनाया जाता है आज के दिन, और ये जन्म दिवस के अवसर पे ही आपका ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं त्योहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों के बीच में भी सेलिब्रेट करते हैं इसको, बच्चे बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं और मानते भी हैं क्योंकि गुरु जी की बात है। तो इस उपलक्ष में आज हम लोग आपसे बातें करने वाले हैं, दो चार बातें। जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहले ये आपका 1962 में सबसे पहला अध्यापक दिवस मनाया गया था और आज तक ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा, हर इंस्टीट्यूट में, हर कोचिंग में, हर जगह टीचर्स डे की बहुत अच्छी भूमिका है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को उपहार या आप कह सकते हो गिफ्ट, एक ही चीज की आशा रहती है, एक ही चीज हमें चाहिए कि आप लोग जिस चीज में, जिस चीज को पाना चाहते हो, जिस चीज के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप लगे हुए हो, अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जा करके पढ़ाई कर रहे हो या कहीं पे भी फीस कहीं से व्यवस्था करके आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो बहुत सारे लोग घर जमीन बेच करके भी पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ उपहार इतना सा चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, चाहे वो आपको डीएम बनना हो, चाहे वो आपको कुछ भी आईपीएस ऑफिसर बनना हो या बढ़िया कंप्यूटर सीख करके आपको आईटी सेक्टर में जाना हो। तो हम लोगों की आशा यही रहती है कि आप लोग मेहनत करें, अपने गोल को अचीव करें। दोस्तों हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन ज्ञान के प्रेमी जरूर हैं। इसी तरीके से हम आपको भी यही शिक्षा देंगे कि आप लोग ज्ञान के प्रेमी जरूर बनिए, ना कि दूसरा कोई प्रेमी बनिए। दूसरा प्रेमी बनने से अच्छा है कि ज्ञान के प्रेमी बनिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, और कोई भी लाइफ में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसको जिसका मुनाफा हमें जीवन भर मिलने वाला है। आपको पता है कि दुनिया में चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो मनी हो, चाहे शस्त्र हो या पैसा हो, इस सब की एक दायरे होते हैं, ये एक दायरे में बंधे होते हैं। अगर हम शस्त्र की बात करें तो जब तक शस्त्र आपका अच्छा है तब तक चलता है, जब तक आपके पास पैसा, और पैसा कुछ क्षण के लिए ही होता है क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम चंचल है और चंचल हमेशा क्या होता है, भटकते रहते हैं, ध्यान रखना, लक्ष्मी जी हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे। तो वेपन्स हो या आपके मनी हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा, यानी कि बुढ़ौती तक आपको मुनाफा मिलेगा इसका। कहीं भी ज्ञान बांटोगे तो मुनाफा ही मिलने वाला, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। हम धन की बात कर लें, धन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, धन को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको खोने से भी डरते हैं, या हमारी जमीन हो, हमारा घर हो, उसको भी एक दिन बांटना होता है, भाई में बांटना पड़ता है, कोई छीन सकता है आपसे, बंटवारा होना निश्चित है लाइफ में।
लेकिन ज्ञान एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि दुनिया की कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। ये जान लो, ज्ञान कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता, ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान हमेशा बढ़ता ही जाता है और कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसी टीचर्स डे में बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे और सर भी आपको बताएंगे, धीरेन्द्र सर बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को और सुंदर बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम आपको दे ज्ञान का कि एक मान लो आपके मोहल्ले का कोई छोटा सा तुच्छ सा आदमी हो या कोई आपके जिला का गुंडा हो, एक राजा हो, वो अपने साम्राज्य तक ही काम करता है। हम राजा की बात कर लें तो जहां तक उसका साम्राज्य है वहीं तक वो काम करता है, वहीं तक उसकी जान पहचान होती है, वहीं तक लोग उसको जानते हैं, वहीं तक लोग उससे डरते हैं, वहीं तक मानते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का ले ले तो उसको हम लोग विश्व भर में हर जगह जाने जाते हैं, हर जगह माने जाते हैं और हर जगह पूजे जाते हैं। तो इसलिए हम ज्ञान की बातें आपसे कर रहे हैं। जैसे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, किसी का एग्जाम्पल उठा करके देख लो जो कि पूजे जाते हैं पूरे विश्व भर में। लेकिन अगर कोई और इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको समस्या आने वाली है। इसलिए अपने गुरुजन का सम्मान करो, उनसे कोशिश करो जितना आप ग्रहण कर सकते हो ग्रहण करो, कुछ सीखो, क्योंकि समय का जो घटना चक्र है, जो इसका चक्र है ना, वो घुमा करके कहां आपको लेके जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, कभी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों बस इतना हम आपसे निवेदन करेंगे कि जितना आप अपने गुरुजनों से सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता, पढ़ने का कोई अंत नहीं होता। कभी भी अपने आप को ज्ञानी मत समझ लेना, नहीं तो वहीं से सीखना बंद हो जाएगा। और गुरु का सम्मान जब तक रहेगा तब तक आप ज्ञान अर्जित करते रहोगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसलिए हम आपसे बस यही आखिरी में निवेदन करेंगे और आपसे विदाई लेंगे कि ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है और गुरुजनों से ही मिलता है। तो आज इस अध्यापक दिवस के अवसर पर हम आपको फिर से शुभकामनाएं देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम बुलाते हैं धीरेन्द्र सर को जो आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें बताएंगे। हैप्पी टीचर डे बोलना चाहता हूं और तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि शिक्षा का महत्व क्या है सबको पता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये भी सोचा होगा कि हमारा जो शिक्षा है ये आज का नहीं है बाबू, ये सदियों का चलता हुआ चला रहा है। जैसे कि आपने रामायण देखा होगा, ठीक है, उसमें भी राम भगवान बिना गुरु के ज्ञान को नहीं प्राप्त किए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा, आपको सबको पता होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा शिक्षक दिवस है आज ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ठीक है, और सारे बच्चे इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बिना शिक्षा के ना तो कभी किसी को ज्ञान मिला है और ना तो कभी ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपने हमेशा गुरु का सम्मान करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अपने नितिन सर को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मैं नितिन श्रीवास्तव आज बड़े ही पावन अवसर पर विशेष तौर से हम सब शिक्षकों के लिए है, जिसमें आपको सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे पहले लोगों ने कह दी हैं, रत्नाकर सर और धीरेन्द्र जज ने। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सफलता के लिए प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, लेकिन अगर किसी भी कारणवश असफलता मिल भी जाए तो ये समझिएगा कि प्रयास में जरूर कहीं कोई रंच मात्र की कमी रह गई थी और निराश नहीं हुई है। देखिए, जीवन में निराश ना हो, लगातार लगे रहिए, निरंतर सफलताओं
का कहा जाता है ना, जो योग होता है कैलकुलेशन, दैट इज सक्सेस, वही सफलता है बच्चों। और हम लोग पूरे यूनिक परिवार की ओर से निरंतर आपके साथ देखिए लगे हैं, आपको निरंतर नए नए विषयों का ज्ञान, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, विभिन्न तरह की गतिविधियों में हमारा संस्थान आपके साथ जुड़ा है और निरंतर यही प्रयास है। देखिए कमियां ऊंच नीच होती रहती हैं, लेकिन प्रयास के प्रति ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बस आज के इस पावन वक्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों की, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ, इंजॉय करिए, मस्त रहिए और सफल होइए। थैंक यू। और मैं अपने मित्र योगेश जी को बुलाना चाहूँगा, जिनको जो आप परिचित हैं, आप उनसे मैथमेटिक्स के ये महान टीचर हैं, तो कृपया आइए सर और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे आप सबको अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु की तरफ से आप सबको शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार होंगे। और आज का दिन जो पावन दिन है टीचर्स डे का, शिक्षक का, जानते हैं शिक्षक क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें अगर आपको हम बताएं आपको, तो शिक्षक एक ऐसा इंसान या ऐसा भगवान मान सकते हैं उनको, वो होता है एक ऐसा शख्स होता है जो इस पूरी दुनिया में जिसकी पहचान नहीं होती उसको एक पहचान दिलाता है। आप अनजान रहते हैं, उस अनजान से आपको इंसान बनाता है। बहुत ही प्यारी प्यारी लाइनें हैं जो एक शिक्षक के लिए, हर एक शिक्षक का एक शिक्षक होता है, हर एक गुरु का एक गुरु होता है। तो इसलिए मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, जितने भी मेरे गुरुजन मुझे देख भी रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और विद्यार्थियों एक छोटी सी बात कहूँगा, दो छोटी बात कहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी छोटे से भी कुछ सीखते हैं वो भी आपका गुरु होता है, जो भी सिखाता है, जिससे भी आप सीखते हैं वो आपका गुरु होता है। और आपको पता है एक गुरु ऐसा भी है जो ना कभी छुट्टी लेता है, ना उसका कोई संडे होता है, ना दिन ना रात, पता है वो कौन है? वो होता है समय। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो समय के महत्व को समझिए और समय के अनुसार बिना अपना समय व्यर्थ किए अपने मन लगा के पढ़ाई करिए। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में मन लगा के अपना 100% दीजिए, बदले में आपको 100% प्रकृति खुद देगी। ठीक है, चलिए अपने इन्हीं बातों से फिर मैं आप सबको अगेन फ्यूचर आपको बोलता हूँ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। कहना चाहेंगे आपके अपने सबसे प्यारे आशुतोष सर को, जो कि आपको अपनी मधुर वाणी से बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें कहेंगे। तो वेलकम सर, प्लीज़ आइए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी शुद्ध और बड़ी फेमस लाइन है। हैप्पी टीचर्स डे मित्रों। आज इस पावन पर्व पे मैं आशुतोष उपाध्याय पूरे अपने परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और स्पेशली उन शिक्षकों को भी मैं ये बताना चाहूँगा जो शिक्षक आज इस शिक्षा के क्षेत्र में हैं और कोशिश करते हैं वो हर दिन की कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया करने की कोशिश करें, अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट के साथ कुछ बेहतर करने की कोशिश करें जिससे उनके स्टूडेंट का कल्याण हो। लेकिन मित्रों थोड़ी सी एक बात जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है, हालांकि सर लोगों ने बहुत बढ़िया बताया कि आजकल शिक्षा का थोड़ा सा व्यवसायीकरण हो गया है। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देखा जाए तो एक बड़ी मार्केट बन के सामने हम लोगों के बीच में आ रही है। तो इसमें मैं टीचरों से ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली हम सभी अपने मित्रों से, जो हमारे मित्र देख पा रहे होंगे बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई होंगे, हमारे छोटे भाई लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो पूरे जिंदगी अपने शिक्षा के लिए दे दिए हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे एक चीज थोड़ा सा ये अजीब लगती है कि मित्रों शिक्षा का क्षेत्र ठीक है ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाना अलग चीज़ है और बिजनेस अलग चीज़ है। सारी चीज़ों को हम लोग किया जाए, शिक्षा के सारे क्षेत्रों को मेनटेन किया जाए, लेकिन जब हम लोग क्लास में जाएँ, जब हम लोग बच्चों के सामने हों, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक शिक्षक फील करें, तो ये हमारे समाज के लिए बढ़िया होगा, हमारे परिवार के लिए बढ़िया होगा और तब सच में हमारे देश का भला होगा। वास्तविकता भलाई हमारे देश किसी में है। और याद रखिएगा शिक्षक वो नहीं होता जो किताबों से पढ़ाता है। मित्रों असली शिक्षक होने का मतलब वो होता है कि जो दिल से पढ़ाता है। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी, बाकी बहुत लंबी वीडियो ये हो गई होगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगली क्लास में, जो हमारी क्लास सुबह चल रही है 9 बजे से, हम लोग उसमें डेली मिलते हैं। और एक बात मैं आपको भूल ही गया, हालांकि सर लोगों ने भी इसके जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक ऑफर भी देना धर्म बनता है टीचर्स का। अगर टीचर्स डे है तो एक ऑफर भी आप लोगों को मिलना चाहिए। अब क्या है ऑफर, वो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर के पता कर लीजिएगा, कुछ बढ़िया धमाकेदार होगा। पूरे साल का सबसे बेस्ट ऑफर जो होता है वो टीचर्स डे में हम लोग लॉन्च करते हैं। बाकी धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आखिरी में बस आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अपने गुरु को प्रणाम जरूर बोलिएगा। और हाँ, आज हम भी अपने गुरु को प्रणाम बोलते हैं, जिन गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिला है, जिस शिक्षक के द्वारा आज हम थोड़ी सी बोलने
के लिए आप लोगों के सामने आ पाते हैं। और सबसे पहले हम अपने माँ यानी कि जो हमारे सर्वप्रथम शिक्षक थी, शिक्षक हैं, आज भी हैं, जो हमें शिक्षा रोज देती हैं कुछ न कुछ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये आज शिक्षक दिवस के दिन पर, आज इस उपलक्ष्य में आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पूरे यूनिक परिवार के तरफ से। और हाँ, आपको हम बता दें कि कंप्यूटर के जगत में पूरा यूनिक ग्रुप आप लोगों के साथ हमेशा लगा हुआ है, लगा रहेगा और लगा था भी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, विगत वर्षों से ये आपका चैनल चल रहा है और चलता रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिलेगी, और अगर मिलती है तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।